वेलकम बैक टू बीबीएन क्रिएशंस। आज मैं 3D डिस्प्ले बोर्ड कैसे बनाएगा उसके एक एक डिटेल वीडियो बना रहा जा रहा हूं। नॉर्मली 3D डिस्प्ले बोर्ड कोई शॉप का सामने का नेम प्लेट के लिए यूज करता हूँ। रात में अलग अलग कलर का डिस्प्ले बोर्ड आप लोग देख रहे होगा। आजकल मार्केट में इतना ज्यादा कलरफुल डिस्प्ले बोर्ड आ गया, उसमें एक बेसिक डिजाइन में कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैं दिखाने जा रहा हूँ। डू इट यूरसेल्फ, आप अपने आप कैसे बना सकता है कलरफुल 3D डिस्प्ले बोर्ड। उसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, एक तो कलर एक्रेलिक शीट चाहिए, ये कलर हो गया, हर टाइप के कलर का 2mm 3mm 4mm उसी अलग अलग थिकनेस का कलर एक्रेलिक शीट मार्केट में अवेलेबल है। मैं इसमें 2mm साइज थिकनेस का शीट से ये बनाने जा रहा हूँ। सबसे कलर एक्रेलिक शीट को ट्राइए ट्रांसपेरेंट होता है, इसके नीचे से आप बल्ब लगाए तो ऊपर पूरे डिस्प्ले कलर दिखाई। दूसरा होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, ये ब्लैक कलर का, ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, इधर आप लाइट लगाएगा तो इधर दिखाई नहीं पड़ेगा। एक हो गया एक्रेलिक शीट। दूसरा क्या चाहिए, इसको साइड वाला जुड़ने के लिए एडहेसिव चाहिए, ये क्यूब फिक्सिंग वाला एडहेसिव होता है। दूसरा आइटम ये हो गया। तीसरा आइटम क्या चाहिए, LED लाइट, छोटा सा एक स्ट्रिप में 3 बल्ब होता है, एक स्ट्रिप का वाटेज है 1.5 बार। सपोज इस लेटर में मेरे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सपोज 9 अराउंड 10 स्ट्रिप इसमें लगना पड़ेगा, एक में 10, 20, 30 स्ट्रिप लिखना, मतलब 30 × 1.5 45 वाट का आपको पावर सप्लाई बोर्ड चाहिए होगा। मैं इसमें BBN क्रिएशन का दोनों के हिसाब से मैं 100 वाट का एक पावर सप्लाई बोर्ड ले लिया, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ये पावर सप्लाई बोर्ड 50 वाटेज का, 25 वाटेज का, 200 वाटेज का, वो कितना वाट के हिसाब से ये आप ले सकते हैं मार्केट में। एक हो गया सामने के लिए, ये हो गया इसका बाउंड्री बनने के लिए, क्योंकि पीछे लाइट लगाना है, इसका थिकनेस का इतना होगा, लाइट पे बाइक साइड में लगेगा, फिर चारों जगह बाउंड्री बनेगा, उसके लिए ये यूज होगा। उसका पीछे एक होता सनबोर्ड, सनबोर्ड एक व्हाइट कलर का फ्लेक्सिबल बोर्ड होता है, उसके ऊपर ये लाइट लगाएगा, वो सनबोर्ड लगा के पूरा आपका तैयार हो गया। उसके बाद वो ACP बोर्ड होता है, एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल, ACP पैनल का बॉक्स बनेगा, उसके अंदर ये आपका पावर सप्लाई फिट होगा, वो बॉक्स आप किधर भी दुकान में किधर भी फिक्स कर सकते हैं। ACP बोर्ड का बॉक्स बना दिया, उसका अंदर एक एक लेटर को चिपका के उसका तार को अंदर लेके अंदर इसका अंदर पावर सप्लाई कनेक्शन कर आप पूरा पूरा बोर्ड कंप्लीट कर सकता है। इसमें कैसे, सबसे पहले मार्केट से एक्रेलिक शीट मंगाया, ये लेटर कैसे बनाया है उसको मैं पूरा डिटेल का वीडियो दिखा रहा हूँ। उसमें क्या होता है, मेरे पास छोटा सा एक CNC रोटर मशीन है, उसका बेड साइज है 2218 मतलब 220mm बाई 180mm, 220 बाई 180 का साइज में उसका अंदर कटिंग कर सकते हैं। उस हिसाब से मैक्सिमम साइज का लेटर मैंने इसमें कटिंग कर दिया। उससे बड़ा लेटर काटने के लिए मैं CNC मशीन बड़ा चाहिए, नहीं तो आपका पास CO2 लेसर कटर मशीन चाहिए, लेसर एंग्रेवर मेरे पास है, उसमें खाली लेटर उसके ऊपर बना सकते हो, कटिंग का पावर नहीं, उसके लिए हाई वोल्टेज का उसका लेसर गन होगा तो भी एक्रेलिक शीट कटिंग नहीं हो सकता, उसके लिए CO2 वाला लेसर मशीन चाहिए होगा। उसका कॉस्ट अराउंड 5 लाख से ऊपर का होता है एक मशीन का कॉस्ट। मेरा CNC रोटर का मशीन, मेरा वीडियो आप किसी ने देखा होगा, अराउंड 11,000 समथिंग का CNC मशीन से मैं ये
डिस्प्ले बोर्ड बनाने जा रहा हूँ, 5 लाख का मशीन से नहीं है, एक हो गया। इसमें ये बाउंड्री बनाएगा तो इसका कॉर्नर फिर से इसको जुड़ेगा, ये तो हार्ड मटेरियल होता है, हाई मटेरियल होता है, अब इसको ज्यादा मुड़ेगा तो टूट जाएगा, यह बेंड नहीं होता। उसको बेंड करने के लिए बी का यह रेडियस बनना होगा, तो इसके लिए उसको हॉट एयर गन होता है, हॉट एयर गन से इसको हीट करेगा, हीट करेगा तो ये बुलेम हो जाएगा, उसके बाद आप इसको राउंड में मुड़ सकते हैं। और 90 डिग्री मुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आइडिया लाया सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग गन का ये टिप मैंने रिमूव करके निकाल दिया, उसका जगह दूसरा एक टिप लगाया और टिप में ग्राइंडिंग मशीन से ग्राइंडिंग करके एकदम नाइफ बना दिया। एक में एकदम नाइफ होगा, बैक साइड में मुश्किल से 4-5 mm का छोटा सा थिकनेस है। ये अब किधर इसको मुड़ना है, इसको सोल्डरिंग गन गर्म करके इसको पकड़ के रखो थोड़ा देर, ये अपने आप सॉफ्ट हो जाता है, हीटअप हो गया, फिर उसको आप मोड़ सकते हैं। इसको कटिंग करना हो तो इसका टिप में आप थोड़ा टाइम पकड़ के रखो, वो कट करके अलग हो जाएगा। ये सोल्डरिंग गन से ही इसका बेंडिंग और कटिंग का काम है, फर्क दिखा देगा। एडहेसिव होता है, हाई क्यूब फिक्स टेप का होता है, 1 सेकंड में थोड़ा सेकंड में तो पकड़ के रखो वो क्योर हो जाएगा। इसमें भी एक काम कर दिया, इंजेक्शन का नीडल इसका ऊपर मैंने फिट कर दिया, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा पॉइंट से लिक्विड आ जाएगा, अदरवाइज इसमें ज्यादा मोटा थिकनेस में लिक्विड आएगा, उसका जगह बहुत लाइट हम लोग को चाहिए, उसके लिए मैंने नीडल लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया, एक छोटा वाला है बनने, इसमें भी मैंने नीडल लगा दिया। काम स्टार्ट। We'll be right back.
सीएनसी रोटर मशीन में ही इसको वाइट कलर का अकेले शीट को काट के इसका ये बनाया, क्योंकि इसमें छोटा छोटा लेटर बना के इसको अंदर लाइट लगाना मुश्किल होगा। अदरवाइज इसी के अंदर ही कटिंग करके इसके नीचे सिंगल क्रीम कलर लगा कर भी हो जाता था। मेरा रोटर मशीन में इतना कैपेसिटी नहीं, इतना बड़ा लंबा इसमें करने के लिए, इसलिए मैंने इसको एक एक लेटर को अलग छोटा छोटा काट दिया। अभी इसको अंदर हम इसको लगाने जा रहा हूं। एक और आइटम मैं अभी यूज करने जा रहा हूं, ये एक्टिवेटर है, स्प्रे एक्टिवेटर। ये स्प्रे मार्क आपका ये पॉलीफिक्स वाला लगाने से पहले उसी के साथ साथ स्प्रे एक्टिवेटर भी लगाएगा तो इंस्टेंट इसमें फिट हो जाएगा, एकदम क्लैरिटी से फिट हो जाएगा। चलो अभी लाइट लगा के लगाना शुरू कर लेता हूँ। मैंने इसलिए एक एक लाइन लेटर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसी के साथ साथ इसी में लगा के जाता हूँ, इसी के स्ट्रेट लाइन में लगा के जाएगा तो फिर गलत नहीं होगा। रिस्की लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा करना मुश्किल होगा अभी। एक और आइटम होता है डी बॉन्डर। एक्चुअली सपोज कुछ लगाने टाइम अपना हाथ में कुछ लग गया तुरंत इसको लगा दो, और इसके अंदर भी कोई जगह आपका ये एडेसिव गिर गया इसको डाल के उसको तुरंत उसको क्लीन कर सकते हैं। मैं डी बॉन्डर ये भी पॉलीफिक्स का ही होता है डी बॉन्डर। नेक्स्ट हम लोग का काम है इसका अंदर लाइट लगाना, एलईडी स्ट्रिप को लगाना। एलईडी स्ट्रिप लगा के उसके बाद मैंने एक बोर्ड बनाया, बोर्ड के ऊपर इसको हम लोग फिट करके पावर सप्लाई लगा के इसको चालू करना है। ये है सन बोर्ड, कितना तो 3 mm के आसपास है। हम लोग को ये इसको ऊपर चिपकाना है। इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, ये डबल साइडेड स्टिकर लगा है। हम लोग इसको पूरा पूरा एक एक करके कटिंग करना है।
एक बार सब चेक कर लेते हैं, ऐसे भी नहीं है उन्होंने पूरा स्टिक कर लिया। किसका मैं दिखा देता हूँ, एल एल एर्थ, इसमें आपका 230 वोल्ट का कनेक्शन आएगा पावर सप्लाई। इधर लिखा होगा प्लस बी प्लस बी प्लस बी माइनस बी माइनस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, बोले 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है। इसमें आप 230 का सप्लाई दे दिया एसी सप्लाई, इधर से 12 वोल्ट का सप्लाई बाहर निकलेगा। अपना लाइट 12 वोल्ट का होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, ये रेड कलर का वायर है प्लस, दूसरा वाला ये होता है उल्टा लगाने से जलेगा। देखो इसको बोला अपना ये लाइट चाहिए, इसको अभी सपोज देख लेते कितना लाइट चाहिए होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, हम लोग एक के नीचे हो तो 9 चाहिए होगा। तो लंबाई के हिसाब से इतना एक पूरा पूरा लाइट का आ जाएगा। लगा के आता हूँ, उसके बाद ये पीछे वाला इसको रिमूव करना है, लंबाई देख ले, थोड़ा सा टेपर लगा देता हूँ। इसमें क्या फायदा है, अपना साइड का प्रॉब्लम नहीं, आपका दो लेटर इसमें आ भी जाएगा।
इसका आउटर में काट कर रेडी कर लेता। बाइक से बोर्ड है, इसके ऊपर आप लोगों को 3D लेटर फिक्स करना है। ये सीपीयू वाला शीट है एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, उसको चारों जगह एल्युमिनियम सेक्शन का फ्रेम बनाना पड़ेगा। मैंने इसको कटिंग कर दी ऑलरेडी, इसको अभी हम लोगों को बेंड करके thank you.
इसका कनेक्शन अभी दिखाता हूँ। ये दो इलेक्ट्रोड का मैंने सेपरेट केबल से लेके इधर दे दिया, इधर का क्रिएशन का लास्ट वाला इलेक्ट्रोड का, ये दोनों पहले वाले इलेक्ट्रोड का मिला के एक ले गया, क्योंकि इस पावर सप्लाई में दो प्लस है दो माइनस है, तो एक ही केबल से भी जा सकता हूँ। मैंने फिर भी दोनों लोड 50-50 डिवाइड कर दिया। अभी मैंने कनेक्शन कर दिया, इसमें देखना पड़ेगा प्लस में प्लस जाना पड़ेगा, माइनस में माइनस जाना पड़ेगा, उधर उल्टा जाएगा तो कनेक्शन करेगा तो फिर लाइट चलेगा नहीं। प्लस रेड कलर का पहले वाला प्लस में दे दिया, इसका माइनस पहले वाला माइनस में दे दिया, दूसरे वाले का प्लस सेकंड वाले में दे देते हैं। ये लगाना से क्या होगा, वाटरप्रूफ हो जाएगा। एकदम तैयार हो गया। अभी इसमें अभी पावर सप्लाई का एसी सप्लाई अभी कनेक्शन कर लेता है। स्टार्ट कर ले एलेक्सा, ऑफिस बंद कर ले। कैसे लग रहा है?